चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह का जलवा इन दिनों भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर खूब चल रहा है। तभी तो इनकी फिल्में YouTube के ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर वन की पोजीशन हासिल करती है। आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह की गाना और एल्बम जब भी रिलीज होती है YouTube पर रिलीज होते ही फिल्म के गाने और एल्बम के गाने YouTube के ट्रेंडिंग लिस्ट में आ जाती है और इनकी फिल्में भी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करती है। इसी कड़ी में सुपरस्टार पवन सिंह की ब्रांड न्यू अपकमिंग दो भोजपुरी फिल्मों का मुहूर्त मुंबई में धूमधाम से किया गया। जी हां, आपको बता दें कि पवन सिंह की आने वाली फिल्म विजय पथ और सात मेहरिया का मुहूर्त मुंबई में धूमधाम से किया गया। मुहूर्त के मौके पर सुपरस्टार पवन सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए मीडिया के कई सारे सवालों का जवाब दिया। जी हां, आपको बता दें कि पवन सिंह ने खुद मीडिया से रूबरू होकर अपनी आने वाली फिल्म की जानकारी दिया और बताया कि इन दोनों फिल्मों में पवन सिंह का अलग अलग किरदार भोजपुरी दर्शकों को देखने मिलेगा। आपको बता दें कि हालांकि पवन सिंह ने ये नहीं बता पाए कि इन फिल्मों में कौन सी हीरोइन अभी तक साइन किया गया है। उन्होंने सीधा सीधा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को बताया कि जो वो लोग फिल्म को में हीरोइन को कास्ट करेंगे उन्हीं के साथ मैं काम करूंगा। वैसे आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह की शादी को लेकर भी मीडिया ने कई सारे सवाल दागे, तो सुपरस्टार पवन सिंह ने भी बहुत ही लहजे तरीके से सभी मीडिया वाले को जवाब देते हुए नजर आए। साथ ही साथ सभी मीडिया वालों की तरफ से पवन सिंह ने अपनी नई वाइफ ज्योति सिंह की हार्दिक बधाई भी स्वीकार किया और सभी मीडिया वालों को धन्यवाद भी बोला।